subscribe now and press the bell icon. जब तक तुम नहीं मिले बस तुम्हारा इंतजार था, जब से हो तुम मिले बस एक सवाल था, जो उस पल तक था मैं क्या कोई और था, जो उस पल तक था मैं क्या कोई और था। ओए क्या कर रही हो? अरे चित्रू दरवाजा खोलो। अरे कोई तो दरवाजा खोलो। लोटा लोटा दरवाजा खोल। लोटा दरवाजा आ गया मैं। अरे क्या हुआ, नींद में सपना देख रहे थे क्या? सर मेरा कमरा तो ऊपर है ना, यहाँ कैसे आ गया मैं? अरे रात भर यहीं पसरे हुए थे। लो चाय पी लो, नींद खुल जाएगी। चाय मेरे लिए? मकान मालिक आपने तो इमोशनल कर दिया मुझे। किसने बनाई है चाय? 5 स्टार होटल के रसोइया ने बनाई है। अरे लोटा यहाँ है ये नहीं है, श्रीमती चिरौंजी देवी गई है मायके, तो हम ही बुलाएंगे ना। हैं बहुत अच्छी चाय बनी। ये लो। क्या अच्छी बनी है, घटिया बनी है। अब पता चल रहा है कि आप ही ने बनाई चाय। चाय पत्ती नहीं, शक्कर नहीं, पानी उबाल के दे दिया मुझे। कैसी चाय बनाते क्या कोई? सुनो फ्री में जो मिले ना चुपचाप कटक लेनी चाहिए। पैसा मांग लिया ना तो हलक में अटक जाएगी चाय। ऐसी चाय पीने के लिए ना लोग पैसे मांगते नहीं है, पैसे देते है। इतनी घटिया चाय बनी है। ये कैसा शोर है, उन सबको तो चाय नहीं पिला ली आपने? अरे काम चोर लोटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और सीलन दीवार की चाबी उसके पास है। अरे सब लोग हल्के होने के लिए सीलन दीवार पे खड़े, दरवाजा खुल नहीं रहा है, तो शोर नहीं बचाएगी तो क्या करे? लोटा ऐसे गायब तो होता नहीं कभी। अरे ये संडास का ताला कोई तो खुलवाओ, कहां मर गया ये लोटा? अरे भाई कोई डुप्लीकेट चाबी तो बनवा लेता। हाँ। ये लोटा तो नहीं आया, अभी तक नहीं आया। परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। लो खुल गया ताला, पैसा धरो अंदर करो। यो जा। ओ कबाड़ी से लोटा कहाँ है? अभी रिपोर्टर पीछे पड़ जाएगा। ओ कबाड़ी सेठ, क्या सुनाई नहीं दिया लोटा कहाँ है? अरे हमका लोटा के सेक्रेटरी है जो हमको पता होगा लोटा कहाँ है। हमको क्या पता कहाँ है लोटा? लोटा का हाल इतना बुरा नहीं है जो तुमको सेक्रेटरी रखेगा कबाड़ी सेठ। अरे तो नहीं रखे। देखो एक बात बता देते पंच, हमारे साथ नहीं रिपोर्टर गिरी मत खेलना, बता रहे हैं। प्यार से पूछोगे दुलार से जवाब देंगे, और अगर ऐसे आंख तरेर के बात करोगे तो हम बता रहे तुम्हारा कपार खोल देंगे। यो हो गया, हो गया, बोल दिया, बोल दिया। अब सीधे सीधे पूछ रहे, सीधे सीधे जवाब दो, लोटा कहाँ है? अरे हमको नहीं पता होगा, यहीं कहीं। यो अरे ऐसा कैसे यहीं कहीं होगा? हाँ तुमने फोन नहीं किया उसे रोज आके? वो तो सीलन दीवार का दरवाजा खोलता है। देखो पंची अगर तुमको इतना ही फिक्र हो रहा है ना तो अपना फोन निकालो और उसको फोनिया लो, समझे? हमारे फोन में पैसा नहीं है, चार्ज नहीं है। यो से बंद आ रहा है। अरे लोटा का फोन बंद क्यों आ रहा है? ऐसा तो कभी नहीं होता कि उसका फोन बंद हो। अरे अपना फोन अभी पूरा चार्ज होएला नहीं है, एडजस्ट करने का। अभी लोटे अभी 90% तो चार्ज हो गया, क्या फोन को ब्लास्ट करेगा? देखो अपना फोन पूरा 100 होने के बाद ही छटेगा। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो हमेशा फोन फुल चार्ज रखता है?
लोटा तो अपना फोन हमेशा फुल चार्ज रखता है, तो ऐसा क्यों? कहाँ गायब हुआ है वो? इतना मुस्कुराना अच्छी बात है, मगर बेवजह मुस्कुराना। एग्जाम सर पर आ गए हैं, मुस्कुरा तुम बाद में भी सकती हो, लेकिन पढ़ाई इस समय बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। हैं जी पापा। जी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जी 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 पापा जी। क्या हुआ सीलन दीवार, आप वो क्यों रहे हो? लोटा नहीं मिल रहा इसलिए? हाँ अली मियाँ, लोटा पर मलासुर ने हमला कर दिया। क्या मलासुर? हाँ मलासुर। मिस्त्री भाई, हमें यहाँ पर एक टॉयलेट बनवाना है। ये सेप्टिक टैंक अगर बाद में बनवा ले तो चलेगा ना? अभी कंजूसी की ना, बाद में महंगी पड़ जाएगी। सही बात है। लो आ गए। आइए आइए। मोतीचूर सुना ही सही है कि हमारी खोपड़िया में ज्ञान की गंगा बहती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमको नहलाने चले आए हैं। वो तो नसीर मियां ने कहा था, इसलिए हम आ गए। अरे बिना बुलाए तो हम श्रीमती चिरंजी देवी के ब्याह में भी नहीं गए थे। कोई नहीं कहेगा कि आप बिन बुलाए आए हैं, पर अब आ ही गए हैं तो मदद करा ही दीजिए भाईजान। क्यों? काहे नहीं कराएंगे, जरूर कराएंगे। देखो का है ना कि हमारे मोहल्ले में सीमेंट लाइन तो है नहीं, है इसलिए बनवाना ही पड़ेगा सेप्टिक टैंक। हाँ हम भी अपने घर में संडास बनवा रहे हैं और आपने अभी भी सेप्टिक टैंक बनवाया है, तो मैं चाहता था आपके साथ बैठकर सलाह मशवरा कर लें। अरे ये तो खुद ही पहले छोटा सा बनवा रहे थे, हमसे पूछो। पर बनवाया तो नहीं ना छोटा सा? अब ये छोटा बनवाने में दिक्कत क्या है? हाँ देखिए मैं बताता हूँ। देखो दिक्कत ये है ना कि छोटा होगा सेप्टिक टैंक तो जल्दी जल्दी भर जाएगा, फिर बार बार सफाई कराना पड़ेगा, यानी कि बार बार खर्चा। तो इसका मतलब है हम थोड़ा बड़ा बनवा लें? हाँ, नहीं तो सुना है कि बड़ा बनवाने में भी दिक्कत है। अरे नसीर मिया देख लो, ज्ञान कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं श्रीमान मोतीचूर हलवाई, क्या कि हमारा ज्ञान जो है ना एकदम ताजा ताजा है, बिल्कुल गर्मा गर्म हमारी जलेबी की तरह। देखो क्या है ना कि अगर सेप्टिक टैंक बड़ा होगा ना तो गू का जमीन के पानी से मिलने का डर रहता है, और पड़े पड़े जो है ना गू सूख जाता है तो सफाई कराने में मुश्किल हो जाता है, और सेप्टिक टैंक में जगह कम हो जाती है। तो ना छोटा बनाना है ना बड़ा बनाना है, तो कैसा बनाना है? 5x2। भाई हमने तो तय कर लिया, ना छोटा ना बड़ा, सेप्टिक टैंक बनेगा तो 5x2। अरे चित्रू एक बात बताओ, तुम IAS बनने के बाद ये मोहल्ले में ही रहोगी ना? और नहीं तो क्या, लाइक्स की कसम। हीरो आ रहा हीरो। चुप। ओए विश्वास, विश्वास कहाँ खोए हो तुम? वो लोटा गायब है, सुबह से किसी को नजर नहीं आया। लोटा गायब है, कहाँ जाएगा विश्वास? यहीं कहीं होगा वो आसपास, तुम्हें तो पता ही है ना पैसे कमाने के जुगाड़ में लगा होगा वो। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि टेंशन लेने की बात है, उसका मोबाइल ना कभी बंद नहीं होता है, कुछ तो ठीक नहीं है। अच्छा सुनो, तुम दोनों ने उसे लास्ट कब देखा था? अरे कल ही तो देखा था, राजरानी आंटी जी की पार्टी में, केसेट के साथ।
कबाड़ी से। अरे 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 कहाँ कहाँ चल दी भाई ऐसे बैग पैक करके? बहुत दिन हो गए थे आए हुए, घर की याद आ रही थी, माँ की याद आ रही थी, इसलिए बस जा रही हूँ। अच्छा, जैसे कि हमको कुछ पता ही नहीं। हमको सब खबर है, पंछी के प्यार में डूबी हुई हो ना, और अब तैर नहीं पा रही हो इसीलिए जा रही हो। क्या हुआ, सारा प्यार उड़ गया, फुर हो गया? प्यार उड़ा नहीं है, सिर्फ रास्ता बदला है। मैं जो विश्वास की आंखों में प्यार देखना चाहती थी वो मुझे दिखा तो सही, पर मेरे लिए नहीं, चित्रों के लिए। और मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि दो सच्चे प्यार करने वालों के बीच आऊँ। पगला उगला गई हो का? हाँ, दिमाग वाग ठीक है तुम्हारा? अरे प्रेम में धैर्य रखना होता है, और हमी से सीखा, हर सही मौके में फेल हो जाते हैं लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं और अड़े रहेंगे। चिंता नहीं करो, तुम भी अड़ी रहो, पंछी के गले में हम तुम्हारे प्रेम का नेटलेस डलवा के रहेंगे। काश ऐसा होता, पर प्यार ना किसी से जबरदस्ती करवाया नहीं जा सकता, प्यार तो बस हो जाता है। मुझे लगता है मेरे यहाँ से चले जाने में ही सबकी भलाई है, चलती हूँ। अरे फोन कहाँ जा रहा है भाई? की जा रही है अम्मा, कर रही है इसको इसकी अम्मा का याद आ रहा है इसीलिए जा रही है। मेनका तुम अभी क्यों जा रही हो, कुछ दिन और रुक जाती। खुशबू वो क्या है ना, इस नवरंगी मोहल्ले में मैं मेहमान बन के आई थी, और मेहमान को एक ना एक दिन तो लौट कर जाना होता है ना। जा रही। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब मेहमान जाते हैं तो दोबारा लौट कर वापस भी आते हैं। तुम भी आओगी ना हमारे इस मोहल्ले में वापस? अरे खुश रहिए खुश रहिए, यहाँ रहिए चाहे कहीं पे भी रहिए, खुश रहिए। आप अरे भाई जिसको जाना था वो तो चला ही गया, लेकिन ये बताइए आप तीन लूजर लोग हमारे द्वारे क्या खैरात मांगने आए हैं जी? ओ राजरानी जी, लोटा है ना सुबह से दिख नहीं रहा है, तो बस आपसे पूछने आ गए। जी हमरे बबुआ के जेब में है, हाथ डालिए और निकालिए। राजरानी जी, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, हम सब लोटा को लेकर बहुत परेशान हैं। अगर आपने उसे कहीं भेजा है तो बता दीजिए। अच्छा तो बताई देते हैं, हमें इतना परेशान किया था उस लुटिया ने, गांव जाना है मालकिन, गांव जाना है मालकिन, गांव जाना है, सबने कहा जा गांव जाना है, जाओ। कहाँ गया होगा तो हम और क्या कह सकते हैं। हाँ कहाँ चला गया वो? एक मिनट, लोटा गाँव गया है? हाँ। तो कुछ देर पहले हमारी जब बातचीत हुई उस वक्त क्यों नहीं बताया कि लोटा गाँव गया? आजकल जो है ना बादाम खाना बंद कर दिए, इसलिए हमारा मेमोरी जो है वो लॉस हो गया। अरे कमाल के आदमी हो, कैसी बातें कर रहे हो यार, बिजनेसमैन आदमी है, बिजी चल रहे हैं, दुनिया भर का काम है हमारे पास, तुम्हारी तरह थोड़ी ना जो हाथ में माइक लेके लबड़ 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 करते रहते हैं। हाँ कैसी बात कर रहे, बुला गए हम तो, बुला गए। हाँ बुला गए। ता सब मामला सेटल, हवा आने दीजिए। ठीक है, आ लीजिए हवा। बबुआ इलेक्शन में आ रहा है, रिस्क नहीं ले सकते, नजर गाड़े रखना। वही तो कर रहे अम्मा। यो बबुआ आस की कम कर, हमरा मतलब था दोनों पर। वही तो करते हैं अम्मा, हमेशा नजर ही गाड़े रखते हैं दोनों पर, हम तो गाड़ी नहीं पाते। यो मुझे ये अम्मा और उनके बबुआ पर बिल्कुल भरोसा नहीं। पर वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे, ऐसे भी तो हो सकता है कि लोटा सचमुच अपने गांव गया हो, वो भी सकता है और नहीं भी। एडजस्ट करने का। ये लोटा की आवाज है ना? हो गया किसका सुना के? चल जो मिठाई का उसके पंचे निकाल। अरे मोतीचूर जी, ये लोटा यहाँ पर है क्या? उसकी आवाज आई मुझे।
लोटा, अरे लोटा यहाँ कहाँ जाएगा, ये टिल्लू उसकी आवाज निकाल करके उसका किस्सा सुना रहा था। किस्सा सुना रहा था, मुझे लगा लोटा आ गया। सुनो टिल्लू, तुम आज मिले क्या लोटा को? अरे आज नहीं, कल मिला था। मैं चलता हूँ, राजरानी जी के घर जाना है पैसा लेने के लिए। ऐसे राजरानी जी तुम्हें किस बात के पैसे दे रही है? अब क्या बताऊँ, के सेठ ने सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए घर पे बुलाया था, उनकी टॉयलेट से सारा गु बाहर आने लगा था। क्या बात है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अब हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा विश्वास भाई? अरे इतनी बड़ी दिक्कत हो गई उनके घर में, वो उल्टा बह के वापस आ रहा है। हैप्पी टैंक डे कराने का टाइम आ गया है और ये लोग जो है मुंह में पैसे दबा के बैठे। पता है विश्वास भाई, जैसे ही राजरानी जी ने हैप्पी टैंक डे कराने का पैसा सुना, भिड़क गई। बताओ इतने पैसे वाले होकर भी सही तरीके से सेफ्टी टैंक साफ नहीं कराएंगे तो बाद में तो महंगा पड़ेगा ही। हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? पहले तो बोली कि टैंक साफ कराने का पुराना ही तरीका सस्ता है और वो टैंक पुराने तरीके से ही साफ करवाएंगी। तो फिर? फिर क्या, सुबह मना किया, शाम को बुला लिया और बोले कर दो। अब पता नहीं कैसे मान गए, उसी का पैसा लेने जा रहे हैं। चलो चलते। ये पिटारा नवरंगी रे। सुबह से शाम हो गई, लोटा का फोन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं होली के रंगों में कहां गायब हो गया ये। विश्वास मुझे नहीं लगता लोटा को कॉल करके कोई फायदा है। देखो तुमने ही तो कहा था कि लोटा अपना फोन कभी भी ऑफ नहीं करता है। मुझे लगता है विश्वास, लोटा के गायब होने के पीछे ना कोई और कहानी। लोटा गांव नहीं गया है। एक काम करते हैं, मोहल्ले में और इसके आसपास के इलाके में फिर से एक बार ढूंढते हैं, हो सकता है उसकी कोई तो खबर मिल जाए, कुछ तो पता चले उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा चित्रू। यो, हम हूं आप लोगों का हेल्प करना चाह रहे हैं, ठीक है? ऐसे का घूर घूर के देख रहे हो भाई? हम फोनिया आए थे लोटवा को, वहां से एक औरत बोलने लगी कि जिसको फोन किए हैं उसका फोनवा ऑफ जा रहा है, ऐसा वैसा पता नहीं काका। अरे हमको भी लगा कि अगर वो गांव गया है तो फोन काहे नहीं लग रहा है उसका। हमको भी चिंता है, हैं? हमारा नमक खाया है उसने। साथ में तुम्हारी गोली तो नहीं खा ली उसने? कैसी बात करते हो भाई, हर घड़ी इतना शक करना ठीक नहीं होता है। नहीं ऐसा करते दो टीम बनाते हैं और दो 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 दिशा में निकल जाते हैं उसको ढूंढने के लिए लोटवा को। एक तो मैं आप और खुशबू और एक में हम और चित्रू, दोनों साथ में मिलकर के लुटवा को ढूंढते हैं। क्या बोलती हैं आप, चलें? ये भी ठीक है। चाची आपने लोटा को देखा? नहीं देखा? पता चला लोटा के बारे में? नहीं पता चला, सब जगह पूछताछ करी पर कहीं पता नहीं चला। इतना मेहनत तुम अपना 5 रुपए का सिक्का ढूंढने के लिए नहीं करे जितना मेहनत लोटा को ढूंढने के लिए कर दिए। अम्मा ठीक कर रही थी, गांव गया होगा लोटा, गांव ही गया होगा लोटा। लो मैं चलती हूँ, पापा वेट कर रहे होंगे, कुछ पता चले तो बता दें। जाओ। अच्छा हम वहीं चलते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना। चित्रू मैं सिर्फ सुबह तक इंतजार करूंगा, अगर तब तक लोटा के बारे में कुछ पता नहीं चला ना, मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मिसिंग कंप्लेंट लिखा दूंगा। बस कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है अभी। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम। क्या हुआ, क्यों गए? ऐसे ही, तुम जाओ ना, मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगा, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे यहीं पर रुकना है। ठीक है, अगर ऐसे ही बीच रास्ते में रुकने से लोटा के बारे में कुछ पता चलता है या लोटा मिल जाता है तो हम भी रुकते हैं ऐसे ही बीच रास्ते। मेरे पास एक बेटर आइडिया है, थोड़ा सा टहल लेते हैं, तुम्हें ठीक लगेगा।
तुम फिर से परेशान हो रहे हो। क्या करूं, मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है कि वो जा कहां सकता है। ये चप्पल ना लोटा के, और ये मोबाइल देखो, ये भी लोटा का ही होगा। होगा नहीं है, मैं जानता हूं। इसका मतलब